पंजाबी फिल्म जिनजान बनेगी दर्शकों की पहली पसंद। यह फिल्म 14 जून को होगी लोगों के रूबरू। लुधियाना में पहुंची इसकी टीम और पत्रकारों ने की इनसे मुलाकात और पूछे गए प्रश्नों के जवाब फिल्म के कलाकारों ने दिए। इस मौके पर फिल्म की अभिनेत्री सारा शर्मा ने सिटी होम न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में पूरा विस्तार से सिटी होम न्यूज चैनल को बताया। आप भी देखिए इस की ये खास रिपोर्ट, क्योंकि हमारी टीम ने जब फिल्म के कलाकारों से बात की तो अन्य पहलू की चीज़ें, जो पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, उसके बारे में कलाकारों ने हमसे अपनी बात साझी की। जसविंदर भला वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज लुधियाना दे विच असी जिस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस लई इत्थे इकट्ठे होए हां, उस फिल्म का नाम है जिंद जान। जिंद जान फिल्म के प्रोड्यूसर ने पवन कुमार जी बॉलीवुड तो, और इस फिल्म के डायरैक्टर ने दर्शन बग्गा जी, जिन्होंने बहुत सारिया पंजाबी फिल्मों से हिंदी फिल्मों च काम भी किया और डायरैक्ट भी किया। सत श्री अकाल जी, राजवीर जवंदा वालों आप सब नूं सत श्री अकाल। और अज जिस मकसद लई आपां इकट्ठे होए हैं वह है जी फिल्म जिंद जान, साडी 14 जून नूं आ रही है। तो आप सब नूं बेनती है भी जरूर इस फिल्म नूं देखियो, बहुत वधिया फिल्म हैगी, रोमांटिक मूवी है, एक्शन है, ड्रामा है, होर बहुत सारे पक्ष तुहानूं इस दे विच देखण नूं मिलणगे। बड़ी मेहनत दे नाल असीं बनाई आ। ये मैं मेरे नाल जो हीरोइन है वह है सारा शर्मा जी, वो तो बिना जसविंदर भला जी, उपासना सिंह जी और हरबी संघा, तो बहुत सारे होर आर्टिस्ट इस फिल्म के देखने को मिलेंगे। दोस्तों यूँ तो पंजाबी फिल्मों का धीरे धीरे आधार बढ़ रहा है, समय समय पर पंजाबी फिल्में आ रही हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आयाराम और ग्याराम, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको दर्शक बहुत प्यार देते हैं। उन फिल्मों को अगर हम देखें तो उस फिल्मों की स्टोरी दमदार होती है, उन फिल्मों के एक्टर दमदार होते हैं, उन फिल्मों में की गई एक्टिंग की और पूरे प्रोडक्शन की पूरी ताकत लगी होती है। ऐसी पंजाबी फिल्म आ रही है जिंद जान, उसी फिल्म के जो आज स्टार कास्ट है लुधियाने पहुंची हुई है। आज हमारे साथ हैं फिल्म की हीरोइन सारा शर्मा जी, हालांकि पीछे से बिलोंग ये हिमाचल से करती हैं, लेकिन एक्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत है। मुंबई में काफ़ी समय बिताया इन्होंने, साउथ में काफ़ी एक्टिंग की है। पंजाबी पहली फिल्म है, मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या कहना चाहोगे आप फिल्म की? हमने सुन ली, एक्टिंग भी सुन ली, फिल्म का जो सब कुछ सुन लिया, फिल्म करने में सबसे प्रॉब्लम क्या आपको सामने आई अगर ये? जी जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दो चीज़ों में हुई। एक तो बहुत ज़्यादा ठेठ पंजाबी इसमें यूज़ हुई है। वैसे मुझे पंजाबी आती है जो मैं नॉर्मल बात कर सकती हूँ, लेकिन ठेठ पंजाबी के ऐसे ऐसे शब्द थे जो मुझे आज भी याद नहीं है। यू नो, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने, रीडिंग्स की, रिहर्सल्स की, उसके बाद मैंने पंजाबी बोली। दूसरा शेयर करना चाहूँगी, जॉर्जिया गए थे हम, जहाँ -18-14 डिग्रीज टेम्परेचर था और मैं साड़ी में, वहाँ पर मैंने गाने शूट किए, बुखार में 102-3 फीवर में मैंने शूट किया। तो कभी भी 102 फीवर में मैं खड़ी नहीं हो पाती थी और 5 दिन मैंने फिर भी साड़ी पहन के शूट किया। तो वो सबसे ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस भी था और हार्डवर्किंग एक्सपीरियंस भी था, बहुत मेहनत लगी मेरी। तो लगता है कि बस रब मेहर करे अब कि इतनी मेहनत जो की है उसका फल मिले, आप लोगों को पसंद आए जो हमने काम किया, मेहनत की है। पिछले काफ़ी लंबे समय से आप एक्टिंग कर रहे हो, साउथ में भी आपने बताया, मुंबई में भी हो, पंजाबी फिल्म में इतना लंबा समय क्यों लग गया आपको एंट्री करने में? होता ऐसा है कि अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें तो मैंने जितने भी समय से अपना करियर शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं की हैं। मैं बहुत चूज़ी हूँ अपने काम को लेके, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट देखती हूँ, मेरा रोल क्या है, क्या नहीं है। तो अपने पास्ट की मिस्टेक से भी आप सीखते हैं कि आपने क्या गलती की, अब वो दोहरानी नहीं है। तो पंजाब मेरा घर है, हिमाचल और पंजाब मेरा घर है। तो मेरे सारे मित्र यहाँ के हैं जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ यहाँ रहते हैं। तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि साउथ की फ़िल्म करती हो, पंजाबी नहीं करती हो। मैं 3 साल से मैं देख रही थी कि मुझे काफ़ी स्क्रिप्ट आई, काफ़ी रोल्स आए, बट किसी में 2 हीरोइंस का सब्जेक्ट था, किसी में 3 का था, और अगर सोलो हीरोइन का भी आया तो उसमें रोल नहीं था, 4 सीन थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है सारी हमारी, चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, सब जगह। तो मैं गलत नहीं कहती उस चीज़ को, लेकिन बस मेरा ये मानना है कि मैं एक्टिंग मेरा शौक है इसलिए मैं करती हूँ, पैसों के लिए या कुछ फेम के, उन सब चीज़ों के लिए नहीं। तो मैं जो भी काम करूँ वो दमदार रोल हो, जब मैं करूँ तो लोग देखें और सराहें और कुछ नयापन हो। तो ये स्क्रिप्ट मेरे लिए इतनी चैलेंजिंग थी क्योंकि ये मेरे नेचर से बिल्कुल हटके था।
मैं ऐसी हूँ नहीं जो मैंने पोर्ट्रे किया। मुश्किल भी हुई उसको अपने जहन में डालने के लिए, हर वक्त चिल्लाने और गुस्सा करने के लिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ रियल लाइफ में। वैसे खास मेहनत करनी पड़ी इस कैरेक्टर को निभाने के लिए कि डायरेक्टर सीधा ही आके आप शूट शुरू कर? नहीं, वैसे तो जब मेरी कास्टिंग हुई तो डायरेक्टर साहब ने बहुत सारे पंजाब में भी उन्होंने लड़कियों से बात की थी, हीरोइंस जो अभी रनिंग हीरोइंस हैं, वर्किंग हीरोइंस हैं, उनसे बात की, सबसे बात हुई, पर उनके दिमाग में कहीं ये बैठा था कि मुझे फ्रेश फेस चाहिए जिसकी आज तक इमेज ना हो पंजाब में, क्योंकि जो राजवीर और मैं हैं, हम लोग पंजाबी इंडस्ट्री में एज हीरो हीरोइन अभी तक आए नहीं थे, तो उनको एक ऐसे दो चेहरे चाहिए थे जो अपनी छाप छोड़ पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, बहुत अनयूजुअल, बहुत अलग हट के, क्योंकि जैसे मैंने आपको नाम बताया, रांझा और हीर नहीं पर रांझा और जूलियट हैं, तो बहुत ज़रूरी था कि कुछ नयापन इसमें आए। तो जब मेरी कास्टिंग हुई तो सिर्फ 2 दिन बाकी थे शूट को, तो मैं 2 दिन पहले आई हूँ, प्रेपरेशन का कुछ खास मुझे वक्त मिला नहीं, पर वहाँ पर मुझे प्रेपरेशन करनी पड़ी, कैरेक्टर में ढलना पड़ा, कई बार डांट पड़ती थी कि तुम कैरेक्टर छोड़ रही हो, गुस्सा करो, तो मैं सोचती थी कितनी ज़्यादा गंदी जूलियट है ये, कितनी गंदी लड़की है जो इतना चिल्लाती है, इतना गुस्सा करती है, शांत क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैं वो कर ही नहीं पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो गुस्सा भरना पड़ता था और प्रिपेयर होना पड़ता था हर सीन से पहले, क्योंकि मुझे एक्सेस में बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करनी होती थी इसमें। आपने कहा कि गुस्से वाला करैक्टर है, आपको एक नेगेटिव रोल हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप पंजाब में पहली फिल्म कर रहे हो, आपको लगता नहीं छाप पड़ जाएगी और बाकी जब आगे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहेंगे नेगेटिव रोल में ये ज़्यादा अच्छी लगेंगे? मैंने एक फिल्म की थी कन्नड़ा में, उसका नाम था ब्रह्मा, तो मुझे उसके लिए नेगेटिव रोल के लिए ऑफर किया गया। उससे पहले मैंने सिर्फ एज हीरोइन और बबली रोल्स और ये सब काम किया था, तो मैंने डायरेक्टर से, और डायरेक्टर बहुत बड़े थे वहाँ के, तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको गलत फहमी हुई है, मैं ये रोल प्ले नहीं कर सकती, मैं नेगेटिव हुई ही नहीं लाइफ में, रियल लाइफ में ही नहीं हूँ, तो मैं उसको पोर्ट्रे भी नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा मेरे विजन से देखो तुम कर पाओगी। तो जब डायरेक्टर का आप में विश्वास होता है आप कर पाते हैं, और मेरे उस कैरेक्टर को इतनी सराहना मिली थी, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गई थी कि मैंने वो इतना अच्छा प्ले किया। तो जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, फिल्म सुनने के टाइम मुझे ऐसा नहीं लगा, बट एक्टिंग करते करते मुझे लगा कि शायद मैं नेगेटिव हूँ इस फिल्म में, यू नो मैं बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर हूँ, और लेकिन बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, इतनी एश्योरेंस मैं आपसे आपको दे सकते हैं। आपका बहुत खूबसूरत है, मासूमियत दिखती है, लेकिन कभी ना कभी जब आपने मुझे बताया कि एक्ट जो किया है वो चेहरे और पर्सनालिटी से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन कैसे जस्टिफाई किया ऐसे, क्योंकि आप तो आप सामने आओगे जिसको गुस्सा आ रहा होगा वो भी ठंडा हो जाएगा, तो आपका गुस्सा भी लोग मजाक में लेंगे, यार छोड़ो खूबसूरत लड़की गुस्सा कर रही है, कैसे जस्टिफाई किया इस चीज़ को? जी, यही एक एक्टर का काम होता है, हमारी भूमिका होती है, अगर हमें सिर्फ वही कैरेक्टर मिलें कि जो आप हो आपको वही पोर्ट्रे करना है, तो आई थिंक फिर हमारा प्रोफेशन ही ख़त्म है, कोई चैलेंजिंग रोल ना हो तो फ़ायदा नहीं है, है ना। और जब आपको कुछ चैलेंजिंग लाइफ में करने को मिले जो आप बिल्कुल आप सोचते हैं आप कर ही नहीं सकते, जैसे नेगेटिव एक ऐसी चीज़ है जो मैं सोचती हूँ कि मैं कर ही नहीं सकती, बट कम्प्लीटली ये लड़की नेगेटिव नहीं है, बट इसका गुस्सा अग्रेशन इतना है कि वो नेगेटिव दिखती है, वो अंदर से साफ है पर वो घमंडी इतनी है, पैसे का गुरूर इतना है कि वो थोड़ी सी आपको नेगेटिव समझ में आएगी, पर आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको उस कैरेक्टर से, जूलियट से ज़रूर प्यार हो जाएगा। तो मैडम आपने हमसे बात की, ये थी शारा शर्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है, फिल्म पंजाबी फिल्में बहुत हिट हो रही हैं, बहुत कुछ पैसा लग रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है खासकर इनके करैक्टर को लेकर। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, अगर आपके दिल में कोई और प्रश्न या और कोई इस प्रकार की सुझाव है जो आप हमें दें, तो हम आपके प्यारे कलाकारों से आने वाले समय में पूछते रहें। लुधियाना से कैमरामैन बॉबी कठारिया के साथ अरविंदर सराना की ये विशेष रिपोर्ट।